एचयू लाठीचार्ज और बढ़ी पेट्रोल की कीमतों को लेकर जिले के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी और पीएम मोदी का पुतला फूंका। शहर कांग्रेस कार्यालय से निकले ये कार्यकर्ता हाथों में पुतला लिए सीएम योगी और पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए साड़ी चौराहे पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। ये लोग प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार को जमकर कोसते नजर आए। इनका साफ तौर पर कहना था कि हर मुद्दे पर दोनों सरकारें फेल हुई है, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। मामला ये है सर कि अच्छे दिनों के योगदान के लिए जो है हमारी प्रजा हमारे जो है जो पब्लिक है हमारी किसान हमारे यूथ सब लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में फंसकर इन लोगों की सरकार बनाई। लेकिन कल की घटना आप देख लीजिए, रात के 12 बजे हमारे मासूम बहनों को बेटियों को जो जिस तरीके से इस पुलिस वालों ने और इस कुलपत के सह पर पुलिस वालों को भेजकर जो है उन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जिसका यूथ कांग्रेस घोर निंदा करती है। और कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजा राज बब्बर जी को इन लोगों ने अनैतिक तरीके से अघोषित आपातकाल जैसा माहौल बनाकर उनको गिरफ्तार किया, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और उसी के उसमें जो है हम लोग पुतले का दहन किए हैं योगी और मोदी का। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। Thank you.